चलिए स्लो डिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एसएसबी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पेन एल है और पूरे स्पेन पर यूरिया लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। आप इसको ए पॉइंट नाम दे दीजिए, इसको बी पॉइंट नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये मिड पॉइंट कहीं होगा, इसको सी मान लीजिए। जब ये मेरा सपोर्ट यहाँ पर है और यहाँ पर भी सपोर्ट है, अब यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा और यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा, ओरिएशन कितना निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरा क्या होता है, तो आपका पहला इक्वेशन कंडीशन है सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जितना लगता होगा फोर्स का समेशन क्या होगा, जीरो के बराबर, और वर्टिकल डायरेक्शन जितना लगता होगा फोर्स उसका समेशन क्या होगा, जीरो होगा, और मोमेंट जितना होगा किसी भी पॉइंट मोमेंट निकाल लीजिए, किसी भी सेक्शन पर निकाल लीजिए, उसका मान जीरो होता है। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर मेरा जो एल स्पेन पर यूडीएल लग रहा है, तो इस डब्ल्यू न्यूटन के कारण यहाँ कितना आता है रिएक्शन और यहाँ कितना आता है रिएक्शन, इसको हम डायरेक्टली फाइन कर सकते थे। अब देखिए ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब एक मीटर पर लोड लगता है डब्ल्यू किलो न्यूटन, तो इसीलिए एल मीटर पर लोड लगेगा डब्ल्यू गुना एल, यानी इसको जब पॉइंट पर कन्वर्ट करेंगे ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यानी तब यहाँ पर लगेगा डब्ल्यू इंटू एल, लगेगा डब्ल्यू इंटू एल, W into L लगेगा, लोड था W किलो न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब एक मीटर लोड लगेगा W किलो न्यूटन, ठीक है, तो L मीटर का लगेगा W into L। अब ये लग रहा है बीच में, कहाँ लग रहा है लोड, बीच में लग रहा है, तो बीच में लग रहा है तो आधा आधा दोनों तरफ क्या होगा, आधा आधा दोनों तरफ बट जाएगा, दोनों तरफ आधा आधा बट जाएगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से यह उठता है, इसमें लगता था बीच में, मान लीजिए बीच में मान लीजिए दोनों तरफ आधा आधा कर दिए, जब क्वेश्चन में यह बात स्पष्ट तरीका से कह देगा कि मेरा लोड बीच में नहीं है तब कैसे निकालेंगे, ये तो बीच में मान लेता आधा आधा बांट दिए, और नहीं यहाँ लोड रहेगा तब यहाँ से रहेगा ए डिस्टेंस पर, यहाँ से रहेगा बी डिस्टेंस पर, उस कंडीशन में कन्वर्ट तो फेल कर जाता है। तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे वो अब देखिए, उस कंडीशन हम क्या करते हैं, ये जो तीन कंडीशन लिखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास है, समेशन ऑफ एफ जीरो, सिग्मा एफ जीरो, मोमेंट जीरो, तब इस कंडीशन का उपयोग करके हम यहाँ पर सपोर्टेशन फाइंड करेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो निकालना ही नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन जितना लगता होगा फोर्स सबका समेशन क्या होती है, जीरो होती है। अब वर्टिकल डायरेक्शन कौन कौन फोर्स है, ये मान लीजिए अननोन रिएक्शन वी ए है, इधर मान लीजिए अननोन रिएक्शन वी बी है, तो वर्टिकल वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी अपवाद है, ऊपर से लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, एल स्पेन पर लग रहा है, तो टोटल लोड कितना है डब्ल्यू इंटू एल, तो लग गया डब्ल्यू इंटू एल, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, अपवार्ड फोर्स बराबर डाउनवार्ड फोर्स, दोनों इक्वेट कर दिए, आप इसको इक्वेशन एक मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, आप मोमेंट किसी सपोर्ट के अवार्ड लीजिए, या तो इसके अवार्ड मोमेंट लीजिए एक अवार्ड, या बी का अवार्ड मोमेंट लीजिए, तो किसी के अवार्ड मोमेंट निकालेंगे एट एनी सपोर्ट, मोमेंट क्या होगा जीरो होगा, तो सिग्मा एम ए का मतलब ये हुआ आप ए के अवार्ड मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, जब एक अवार्ड मोमेंट निकाल रहे हैं क्या होगा, मोमेंट हमको यहाँ निकालना है, तो इधर से चलते हैं राइट से जितना फोर्स आएगा इधर आते हैं, तो पहला फोर्स देखिए आपका वीबी है, वीबी फोर्स है, तो वीबी गुना क्या होगा एल, ये कैसा मोमेंट देगा, ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो किसी को मान लीजिए पॉजिटिव किसी को नेगेटिव, तो हम जो करेंगे यूज यहाँ, हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे, देख लीजिए क्लॉक वाइज मोमेंट बराबर, क्लॉक वाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट, यानी जितना होगा क्लॉक वाइज मोमेंट उसको बराबर कर देंगे एंटी क्लॉक वाइज के बराबर, तो मेरा क्या होगा बराबर क्लॉक वाइज बराबर एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए यहां से वीवी गुना एल, वीवी गुना एल पहला हुआ, ये एंटी क्लॉक वाइज है, अब ये मोमेंट देखिए लोड यूडीएल भी देगा मोमेंट, ये कैसा नीचा घुमाएगा यानी क्लॉक वाइज घुमाएगा, तो लोड डब्ल्यू है,
और लेंथ एल है, तो लोड आपका हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल। ये क्या हुआ, डब्ल्यू इंटू एल लोड हुआ। अब ये डब्ल्यू इंटू एल लोड हुआ, अब चाहिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। अभी आप क्या किए, देखिए यहाँ पर ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, ये वी बी है, एल था, तो इसे अगर निकाल लिए। अब ये मेरा यूडीएल है, यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर, तो एल मीटर होगा डब्ल्यू किलोमीटर, तो बीच में एक्ट करता है, बीच में एक्ट करता है, ठीक है, डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर, क्योंकि ये तो यूडीएल अभी ऐसा देख रहा है। यदि आप यूडीएल को बनाइएगा, यूडीएल ऐसे ही बनता है, ऐसे रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है, आप बार बार बीच में ले लेते हैं, तो बार बार हम बीच में इसलिए लेते हैं, हमको पता है रेक्टेंगल का जो सीजी होता है वो बीच में लाया करता है, यहाँ होगा रेक्टेंगल का सीजी, इसीलिए इसके कारण जो लोड निकलता है तो मिड पॉइंट मान लेते हैं, सारा लोड कहाँ करता है सीजी में, इसीलिए यहाँ बीच में हम मान लेते हैं लोड लग रहा है। इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो सीजी होता है मिड पॉइंट लाया करता है, जितना होगा इधर से उतने होगा इधर से, जितना ऊपर से उतने नीचे, बीच पर होता है, इसलिए लोड मानते हैं, सारा लोड मार्क कहाँ है, सीजी पर लग रहा है। तो किसी भी जैसे ये मान लीजिए मार्कर इसका लोड होगा, जहां इसका सीधी होता है, तो हम ये मान करते हैं कि मेरा पूरा बॉडी का मास सीधी पर कंसेंट्रेट हो रहा है, कहां पर कंसेंट्रेट होगा, सीधी पर। इसीलिए रेक्टेंगल को जब हम तोड़ते हैं यूडीएल में, उसको यूडीएल जब कन्वर्ट किए पॉइंट लोड में, तो मान के चलते हैं कि जो मेरा स्पेन है, स्पेन बीच में लगेगा, मतलब जितना रहेगा यूडीएल, जहां तक यूडीएल है उसके बीच में, तो लेंथ एल है, डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर आपका लोड है, यहाँ डब्ल्यू का मीड मिलाया करेगा। अब इस मीड से जहां आप मोमेंट निकाल रहे हैं, जिस सेक्शन के बाउ, वहां से लेना परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी आपको चाहिए, टोटल एल था, अब आधा पर लग रहा है यूडीएल, तो अब कितना होगा, ये एल बाय टू होगा। तो चलिए, तो डब्ल्यू किलोमीटर ए लोड निकाल दिए, यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू इंटू एल। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय टू है, और कैसा देगा मोमेंट, ये क्लॉक वाइज, तो ये एंटी क्लॉक वाइज था, ये देखिए ये मोमेंट ऐसे है, एंटी क्लॉक वाइज हो गया, ये जो मोमेंट है कैसा मोमेंट है, क्लॉक वाइज है, डब्ल्यू एल इंटू एल बाय टू, ये क्लॉक वाइज दोनों बराबर होगा। देखिए कटने वाला, एल गुना एल कट गया, क्या बचा, वीवी बराबर, वीवी बराबर निकला, डब्ल्यू एल बटा टू निकला, वीवी का मान आपके पास निकल गया है। अब चलिए इक्वेशन एक से, फॉर्म एक, फॉर्म एक से, एक में वीवी का मान पुट कीजिए, डब्ल्यू एल बाय टू, तो वी ए बराबर निकलेगा आपको डब्ल्यू इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल बाय टू निकलेगा। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा लेकर के, फुल में से हाफ कटेगा, ये निकलेगा डब्ल्यू एल बाय टू, यानी आपका वी ए का मान निकल गया, डब्ल्यू एल बाय टू निकल गया, और वी ए भी पता चल गया, यानी वी ए का जो मान निकला आपके पास, ये निकला है डब्ल्यू एल बाय टू, और वीवी का जो मान निकला, ये निकला है डब्ल्यू एल बाय टू। यहाँ से इस तरीका से जब मेरा ये यूडीएल मान लीजिए बीच यहाँ लग रहा है, ऐसा कंडीशन आए जब आपको स्पष्ट तरीका से कह दे पॉइंट लोड कहीं दे दिया और बीच में नहीं लग रहा है, यानी जितना स्पेन है उसके मीड में नहीं लाया कर रहा है, यानी यहाँ से मान लीजिए दो मीटर, यहाँ से पांच मीटर है, तो उस कंडीशन बीच में लोड नहीं लगेगा, उस कंडीशन में नहीं लेता। ये कैलकुलेशन करके हम पहले सपोर्टेशन निकालते हैं, चलिए नोट करिए इसको। चलिए मेरा क्वेश्चन था, फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, हमको इस सिंपली सपोर्टेड बीम का स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड करना था। तो पहले हमने क्या किए, पहले क्या करना है, सबसे पहला काम जो अननोन डायरेक्शन है पहले उसको निकालिए, क्योंकि जब तक अननोन डायरेक्शन नहीं रहेगा तब तक आगे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। अब मेरे पास जो भी अननोन डायरेक्शन था धीरे धीरे उसको हमने पता कर लिया। जब आपका अननोन डायरेक्शन पता चल गया है, एक फार्मूला होता है, आपको सिर्फ याद करना है कहाँ से क्या आता है, नहीं जानना है, ये आगे कोर्स में पढ़ना है। ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर एम है, ठीक है, ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स के बराबर क्या है, एम है। एम क्या है, मोमेंट है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इनर्शिया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस सेक्शन का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे फाइंड, माइनस ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर, हमने क्या किए पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए से, पॉइंट ए से सेक्शन काटा, एक ए सी के लिए, किसके लिए सेक्शन काटा, ए सी के लिए सेक्शन काटा, और जो डिस्टेंस काटे हैं सेक्शन का हम, ये एक्स डिस्टेंस पर काटे हैं सेक्शन। अब क्या करना है आपको, इस एक्स जहां सेक्शन काटे हैं इस सेक्शन पर, सेक्शन से लेफ्ट देखना, राइट नहीं,
जिधर जिधर से सेक्शन आप कंसीडर किए हैं, ए से लगना सेक्शन शुरू किए हैं, यहाँ तक गए हैं, तो इस सेक्शन से लेफ्ट जितना भी मोमेंट है सबको निकालिए, एम वही बताता है आपका मोमेंट है। आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए पहले ये सपोर्ट सेक्शन डब्ल्यू एल बाय टू है, तो क्या होगा WL/2 × x मोमेंट निकाल लिए, लोड गुना पर पेंडिकुलर दूरी, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं मेरा यूडीएल है, इसके बाद मेरा यूडीएल है, तो यूडीएल कैसे निकालेंगे, यूडीएल कितना लगेगा डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर, यानी हर एक 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 मीटर पर डब्ल्यू किलोमीटर आपका लोड एक्ट करेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू किलोमीटर लोड एक्ट करेगा तो एक्स मीटर है, एक्स मीटर पर कितना लगेगा W × x। अब देखिए ये ऊपर था, दो पोजिशन होता, एक होता है सेकिंग वाला, एक होता है हुकिंग वाला, लेकिन हम जब यूज करते हैं मोमेंट में, ओरिजिन से ऊपर गया मोमेंट चाहे कोला क्वांटिटी का मतलब नहीं है, ओरिजिन से ऊपर मोमेंट गया तो पॉजिटिव ले लेंगे, नीचा मोमेंट गया तो हम उसको निगेटिव मान लेते हैं, एंटी क्लॉक क्लॉक का फिराम कोई सेकंड होगी नहीं, डायरेक्ट ऊपर ओरिजिन से ऊपर जाता है प्लस, नीचे आता है तो माइनस, चाहे क्लॉक एंटी क्लॉक हो। अब देखिए ये वाला ऊपर गया तो इसको प्लस मान लीजिए, ये वाला ऐसे बेंड करेगा, सेक्शन का वर्ड देखिए, ये जो यूडीएल है यूडीएल ऐसे बेंड करेगा तो नीचे आ रहा है तो क्या लेंगे माइनस लेंगे, यहाँ डब्ल्यू न्यूटन लग रहा है एक्स स्पैन पर तो डब्ल्यू इंटू क्या होगा एक्स होगा। इसको हमने क्या किए, इतना दूर का जो सेक्शन देखिए हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका यूडीएल था, एक्स डिस्टेंस पर डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया। अब यूडीएल आपको पता है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बिहेव करता है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है बीच में, इसका मतलब इससे पहले ही पता है बीच में होगा एक्ट करेगा, तो ये पूरा आपका एक्स है, ये पूरा एक्स लिए हैं तो इतना डिस्टेंस कितना होगा बीच में लगता है इसका, ये जो पूरा एक्स का ये मिड पॉइंट है तो ये एक्स बाय टू होगा, इधर भी एक्स बाय टू होगा, दोनों एक्स बाय टू एक्स बाय टू, तो डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बटर टू, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बटर टू, ये निकल गया मेरा मोमेंट निकल गया। अब क्या करेंगे माइनस ई आई, चलिए आपको पता है ये जो आपका इक्वेशन है इसका एक बार जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा, स्लोप मिलेगा, एक बार इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा स्लोप मिलेगा, और जब दोबारा करते हैं तो डिफ्लेक्शन, यानी इसको जब एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा माइनस ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर एम है, जब इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे एक बार इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा माइनस ई आई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे बोलते हैं स्लोप, ठीक है, ये स्लोप हो गया। जब इसी इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस ई आई क्या होगा वाई डबल इंटीग्रेशन ऑफ एम, तो आपको मिलेगा डिफ्लेक्शन, तो हमको क्या मिलेगा डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा ये सेकंड डेरिवेटिव है, जब सेकंड डेरिवेटिव को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको dy/dx यानी स्लोप मिलेगा, इंटीग्रेट कीजिए बहुत साइड इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई आई डी वाई बाय डी एक्स बड़ा। अब देखिए डब्ल्यू एल बाय टू कॉन्स्टेंट इसका होगा नहीं, एक्स का एक्स के पावर वन प्लस वन, जैसे सूत्र मेरा होता है याद करिए, सूत्र क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन का, पावर में एक जुटेगा उतना ही से भाग लगेगा, ये सूत्र होता है। अब देखिए एक्स पावर एक है, एक में एक जोड़िए एक प्लस एक, एक्स के पावर टू उतना ही से भाग, माइनस है तो माइनस, ये हुआ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, यानी डब्ल्यू बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स पावर दो प्लस एक, एक्स पावर तीन उतना ही से भाग, तो कितना होगा एक्स के पावर तीन बटे तीन, और ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म हमको सी जोड़ना है, कॉन्स्टेंट सी जोड़ दिए, फिर भी ये जो आपका इक्वेशन निकला है ये मेरा कंप्लीट स्लोप का इक्वेशन नहीं है। पहले आप क्या करिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करिए और जनरल इक्वेशन फाइंड कीजिए, जब जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप और जनरल इक्वेशन डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा उसकी हेल्प से किसी भी पॉइंट पर स्लोप डिफ्लेक्शन हम पता कर सकते हैं। अभी जब तक C1 का मान नहीं धरेंगे तब तक हमको जनरल इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन ऑफ dy/dx यानी स्लोप आपको नहीं चलेगा पता, इसके लिए इन कंडीशन होती है। इन कंडीशन क्या होगा, ये SSB बीम है, SSB बीम में डिस्कस कर चुके हैं कि ए पर जो आपका है ए पर देखिए डिफ्लेक्शन, यदि इस बीम का डिफ्लेक्टेड से बनाइएगा ये लगभग इस तरीका से आती है, इस तरीका से होगी, और जहां लगती है लोड वहां पर डिफ्लेक्शन जो होगी ये मैक्सिमम होती है, यहां पर क्या होगा वाई मैक्स होती है, और यहां पर ये पैरेलल होगा इस बीम के ओरिजिन पोजीशन है, ठीक है, जैसे बीम शुरू में था, लेकिन जैसे यूडीएल लगा
तो यूटिल करंट क्या हुआ, ये बीम डिफ्लेक्ट कर गया इस तरीका से। तो यहाँ जब टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो ये टेंजेंट बीम के पहले वाले ओरिजिनल पोजीशन के पैरेलल था, इसीलिए जब दो पैरेलल हो तो उसके बीच का स्लोप 0 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बीम के ओरिजिनल पोजीशन ये है और डिफ्लेक्टेड शेप ये वाला है, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ थीटा कुछ मान होगा, यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ओरिजिनल पोजीशन भी, ओरिजिनल पोजीशन इनका ये है और डिफ्लेक्टेड शेप ये है, यानी ये पॉइंट घसका नहीं, वही की वही है, यानी वहां पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसी प्रकार यहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब चलिए अब हम क्या करेंगे आगे का मेरा प्रोग्राम क्या है, हमको कॉन्स्टेंट सी फाइंड करना है। कैसे सी फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन कंडीशन यूज करना पड़ेगा। कहां से, तो फ्रॉम इन कंडीशन से। तो इन कंडीशन कहां यूज करेंगे, कोई भी इक्वेशन चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी हो, जब उससे मान तभी निकलता है जब वो इक्वेशन 0 के बराबर हो। उसी प्रकार से यहां से आप C1 तभी निकाल पा सकते हैं, C1 तभी निकलेगा जब ई पूरा का वैल्यू 0 के बराबर हो। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि मेरा ये 0 कहाँ होती है, तो फ्रॉम इन कंडीशन से मिड पर यानी सी पर DYdx 0 होगा, तो वहाँ x का मान कितना होगा, L/2, हाफ स्पेन लीजिएगा, L/2 पर DYdx 0। तो हम बोलेंगे यहाँ से एट x बराबर L/2 पर DY/dx किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे और यहाँ से हम कॉन्स्टेंट C1 का मान निकालेंगे। अब चलिए यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, तो यहाँ वैल्यू मेरा निकला था x बराबर L/2/dy/0, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, पुट करिए उसी को इस पर में। क्या निकलता है देखिए, मान क्या निकलेगा, -EI dy/dx बराबर WL/2 × x²/2। अब देखिए ओ एक लाइन गलती हो गया यहाँ पर, चलिए तो 0 के बराबर हो जाएगा ना, जब ये वैल्यू पुट करिएगा DY/dx बराबर 0 और x बराबर L/2, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म, पूरे 0। हाँ तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया वो। और ये टर्म WL/2 × 1/2 x का मान L/2, x L/2 का होल स्क्वायर, चलिए डिटेल में पढ़ा देते हैं, माइनस W/2 × 1/3, फिर यहाँ x का मान धरिए L/2 का होल क्यूब प्लस C1। अब देखिए 0 बराबर WL/2 × L² 2×4×8 माइनस W/3×6 × L³×2×4×8 प्लस C1। अब क्या करिए, इस टर्म को इधर कहिए, इसको रहने दीजिए, यानी आप कह सकते हैं C1 बराबर, और देखिए दोनों में WL³ है, दोनों WL³ क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए, तो WL³, ठीक है, इसको इधर भेज रहे हैं हम, ये यही मेरा है, ये माइनस में है, इधर आके प्लस में WL³ को मान, तो प्लस में 1/6×8, फिर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा 1/2×8। अब जब इसको हम KCO की हेल्प से सॉल्व करेंगे, देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, 1/24 × 6×8 कर लेते हैं, 1/6×8 माइनस 1/2×8, ये आपको वैल्यू आ जाएगा, C1 बराबर इसका वैल्यू है -1/24। कैसे हेल्प से करना है, कर सकते हैं आप WL³, लेकिन माइनस में -1/24, ये आपको C1 का मान निकल चुका है। अब जब आपके पास C1 का वैल्यू आ चुका है, तो इस C1 को ये जो आपका इक्वेशन था इसमें पुट करिए, तो चलिए आप, यानी आपके पास मान निकलेगा -EI dy/dx बराबर WL/2 × x²/2 माइनस W/3×6×x³। और देखिए C1 का मान कितना है, -WL³/24। ये जो निकला है आपका इक्वेशन, ये जो इक्वेशन निकला है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कंप्लीट कंप्लीट
इक्वेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यानी स्लोप, ठीक है। जब आपके पास कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्लोप निकल चुका है, अब जब इसका एक बार और कीजिएगा इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगा कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इधर नोट कर लीजिए, अब इसको एक फिर एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के बाद हमको मिलेगा कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। और जब हमको कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्लोप और कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा, तो उस इक्वेशन में जहां जहां निकालना पड़ेगा स्लोप डिफ्लेक्शन, वहां का एक्स का वैल्यू धर दीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस किस पॉइंट पर स्लोप डिफ्लेक्शन कितना है। अब इसी प्रोसीजर को आगे हम बढ़ाएंगे। इसका एक बार इंटीग्रेशन फिर कीजिए। अब देखिए माइनस ई आई डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ बराबर डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू एक्स के पावर टू का पावर तीन और तीन दूनी छ, एक्स क्यू बटे सिक्स माइनस डब्लू बटे सिक्स, डब्लू बटे सिक्स इंटू एक्स के पावर फोर बटे एक्स फिर फोर, ठीक है। फिर माइनस डब्लू एल क्यू बटे ट्वेंटी फोर, डब्ल्यू एल क्यू बटे ट्वेंटी फोर प्लस सी टू। एक की ध्यान देने वाली बात है, ये जो मेरा इक्वेशन था ये एसी के लिए था, ठीक है। अब जब तक आपको सी टू का मान नहीं चलेगा पता, तब तक कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे, पहले समझ लीजिए, पहले यहाँ एट इंड कंडीशन से एट पॉइंट ए पर चलिए, एट पॉइंट ए पर बात करते हैं। ए पर क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे एक्स बराबर जीरो पर, वाई बराबर क्या होगा जीरो, ये टर्म खत्म जीरो है, जीरो बराबर यहाँ रखिए अक्षर जीरो, ये टर्म खत्म माइनस, फिर ये जीरो रखिए जीरो, टर्म खत्म। अब सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये बचेगा माइनस, एक मिनट, डबल एल क्यू ट्वेंटी फोर, डबल एल ट्वेंटी इसका भी इंडिकेशन होगा ना, यहाँ पर ये भी एक्स होगा इसका इंडिकेशन होगा ना, तो ये भी जीरो प्लस सी टू यानी सी टू बराबर जीरो। और एक बात रखिए ध्यान में, सिंपली सपोर्टेड बीम में चाहे कैसा भी लोड लगता हो कॉन्स्टेंट सी टू का मान हमेशा जीरो होता है, ठीक है। जब आपके पास सी टू का मान निकल चुका है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको मिलेगा कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इक्वेशन निकलेगा माइनस ई आई वाई बराबर डब्लू एल बाय टू इंटू एक्स क्यू बाय सिक्स माइनस डब्लू बाय सिक्स इंटू एक्स के पावर फोर बटे फोर माइनस डब्लू एल क्यू बटे ट्वेंटी फोर इंटू एक्स। ये इक्वेशन निकला है, ये निकला है, इसको इक्वेशन एक मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन नंबर दो हुआ, ये आपका हुआ कंप्लीट इक्वेशन ऑफ, ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, कंप्लीट इक्वेशन ऑफ थ्री पॉइंट को इतना तक नोट कीजिए पहले। लहर वैसे ना कर दे, नहीं गुस्सा था पर नहीं होगा, आप इस बार कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद जब आपका कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्लोप और कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन पता चल गया है, तो इसके बाद अब क्या करना है, हर एक पॉइंट पर स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है। हमको पता है पॉइंट ए पर मेरा डिफ्लेक्शन होता है जीरो, सिर्फ निकलेगा स्लोप। तो चलिए अब चलिए एट पॉइंट ए पर, ए पर देखिए एक्स बराबर होगा जीरो, यहाँ से जब सेक्शन जो लिए हैं एक्स डिस्टेंस पर यहाँ से शुरू किए हैं, तो जहाँ शुरू है वहीं से ले रहे हैं, तो पॉइंट जीरो, ये पॉइंट जीरो हो गया। अब इस एक्स बराबर जीरो इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो आपको ए पर निकलेगा स्लोप निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर जीरो पर, देखिए माइनस वन बाई आई है, या तो यहाँ रहने दीजिए आप बाद में उसको कर देंगे, या नहीं तो इधर भेज दीजिए कि माइनस वन बटे आई बटा में चला आएगा। अब चलिए एक्स बराबर जीरो पुट करिएगा, ये टर्म जीरो लिखिए यहाँ पर जीरो, ये खत्म, ये जीरो खत्म। इसके बाद फिर यहाँ भी एक्स है तो माइनस जीरो, उसके बाद माइनस डब्लू एल क्यू बाय ट्वेंटी फोर। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, एट एक्स बराबर जीरो, डी एट एक्स बराबर जीरो, देखिए ये माइनस माइनस
प्लस डब्ल्यू एल क्यू बाय 24 ई आई, ठीक है 24 ई आई। ये जो निकला है ये निकला है ए पर, ये निकला है ए पर, निकला आपको स्लोप इतना, ठीक है। सिमिलरली करना है, सिमिलरली बी पर देखिए कितना होगा, सिमिलरली निकालना नहीं है। इसी प्रकार हमको पता है एसएसबी बीम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा दोनों इंड पर, ऐसे सिंपली इन सिंपली सपोर्टेड बीम बोथ सपोर्ट पर, दोनों सपोर्ट पर स्लोप बराबर होता है, यानी जितना एंगल ये करेगा डिफ्लेक्ट उतना एंगल ये करेगा डिफ्लेक्ट, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अधिक स्लोप स्लोप बोले हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है एंगल का, एक जगह क्लॉक वाइज एक घंटी क्लॉक वाइज। यानी यहाँ पर पॉजिटिव निकला है ए पर, यानी ये जो ऐसे मेरा स्लोप होगा ये आपका स्लोप है, यानी कैसा देगा क्लॉक वाइज, यानी यहाँ पॉजिटिव निकला है तो यहाँ कैसे होगा देखिए, यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज बी पर कैसा स्लोप निकलेगा, निगेटिव निकलेगा, सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो सिमिलरली लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स बराबर कितना धरिएगा तो एल पर, पूरा स्पेन एल है, यानी बी पर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा माइनस डब्ल्यू एल क्यू बटे 24 ई आई, ये निकल गया स्लोप आपका बी पर निकल गया। अब स्लोप हमको ए भी चल गया पता, सी पर तो जीरो ही होता है, यानी अब हमको पता है यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है जीरो, यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो, यानी डिफ्लेक्शन सी पर कम निकालना है, डिफ्लेक्शन निकाला है मिड पॉइंट पर, आपका डिफ्लेक्शन का कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे इसमें, कहाँ निकालना डिफ्लेक्शन हमको बीच में है, बीच में तो एक्स बराबर कितना है एल बटे टू है, बीच है तो पूरा एल है, इसका आधा एल बटे टू, यानी एल बटे टू पर निकालना है। अब चलिए यहां से एक पॉइंट सी पर, तो सी पर क्या होगा एक्स बराबर एल बटे टू पर, चलिए इस इक्वेशन में पुट कीजिए, इस इक्वेशन में दो में फ्रॉम इक्वेशन दो से, तो इक्वेशन दो से लिखेंगे माइनस ई आई, तो एक बार बट्टा में भेज दीजिए इसको, तो हम लिखेंगे वाई बर वाई एफ एक्स बराबर एल बटे टू पर माइनस वन बटे ई आई, ई माइनस वन बट्टा में चला आया, ब्रैकेट बंद डब्ल्यू एल बटे छः दुना बारह, डब्ल्यू एल बटे बारह एक्स का मान एल बटे टू, एल की बटे दो दूनी चार दूनी आठ, फिर माइनस, अब देखिए डब्ल्यू बटे छः चौके चौबीस, डब्ल्यू बटे चौबीस, डब्ल्यू बटे चौबीस, डब्ल्यू बटे चौबीस हुआ एक्स के मान एल बटे टू, यानी एल के पावर फोर दो दूनी चार चौके सोलह, और फिर माइनस डब्ल्यू एल क्यू बटे 24 इंटू एल बटे टू। अब यहां से देखिए इसको एज कर देते हैं, इसका हमको जरूरत नहीं है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए डब्ल्यू एल यहां भी, डब्ल्यू एल क्यू यहां भी है, डब्ल्यू यहां पर डब्ल्यू एल पावर फोर कैसे निकल गया, यहां पर डब्ल्यू एल होगा, यहाँ पर जनरल क्वेश्चन क्या लिखे थे, जनरल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था मेरा, जनरल क्वेश्चन देखिए एक बार, जनरल क्वेश्चन देखिए तो अब तो जैसा ही है, यानी डब्ल्यू एल गुना एल क्यू एल पावर फोर, यहाँ डब्ल्यू एल एल पावर फोर यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब फर्दर कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या होगा माइनस डब्ल्यू इंटू एल के पावर फोर बटे ई आई एक बटे बारह गुना आठ माइनस एक बटे चौबीस गुना सोलह माइनस एक बटे चौबीस गुना दो। अब इसको जब इस टर्म को केसीओ से सॉल्व करते हैं, देखिए ये टर्म कितनी आती है, ये टर्म आ जाएगी आपको हम बता देते हैं कर करके, वन बाय ट्वेल्व इंटू एट माइनस वन बाय 24 इंटू 16 माइनस वन बाय 24 इंटू टू, तो ये आपको जाएगा माइनस फाइव बाय माइनस डब्ल्यू इंटू एल के पावर फोर बटे ई आई, ये आया माइनस फाइव बाय 384, कितना आया माइनस फाइव बाय हाँ 384 आया है, ठीक है। जब इसको ठीक से लिखेंगे हम यहाँ पर देखिए, इधर मिटा रहे हैं हम, ठीक है, जब लिखिएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी वाई एट एक्स बराबर एल बटे टू पर माइनस माइनस प्लस, यानी फाइव डब्ल्यू एल के पावर फोर, फाइव डब्ल्यू एल के पावर फोर बटे 384 ई आई, यही निकला आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसी को आप बोल सकते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन,
यही आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। याद कीजिए इन कंडीशन क्या है, सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ना ही यहाँ होगा डिफ्लेक्शन, ना ही यहाँ होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन सिर्फ कहाँ होता है, बीच में, और सबसे अधिक होता है। यहाँ यहाँ भी होगा, यहाँ भी डिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पर सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। और स्लोप सिर्फ यहाँ निकलता है, थीटा यहाँ निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, जितना यहाँ है सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ भी निकलता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, एक निकलेगा प्लस, दो निकला माइनस में। इसीलिए यहाँ पर निकला था डेरिवेटिव 24i प्लस निकला था, माइनस लगा करके हम लोग बी पर निकाल लिए। तो चलिए यही हुआ आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ, स्लोप फाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यदि एग्जाम इस तरीका से प्रॉब्लम रहेगा आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन आपका इतना निकलेगा, डिवाइड इतना है और डिफ्लेक्शन इतना है।